दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल डॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इप्का लेबोरेटरी का प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जिसका नाम है सॉल्विन कोल्ड D8, जो कि नन्हे मुन्ने बच्चों से रिलेटेड ये दवा है। उनका सीरप है। जब भी आपके बच्चों को कॉमन कोल्ड होता है, जैसे कि गले में खराश, नाक बहना, छींक आना, बलगम निकलना, आँखों से पानी आना, बदन में दर्द और बुखार होना, तो डॉक्टर उनको ये जो सीरप है ये रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, जो सॉल्विन कोल्ड जो सीरप है, ये आपके बच्चों को सारे कॉमन कोल्ड सिम्टम्स को ठीक करता है। इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है दोस्तों, उसके बारे में बात करूँगी, तो इसमें क्लोरफिनरामीन, मैलेट, पैरासीटामोल और फिनाइल एफरीन मिला हुआ है। जिसमें इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें पैरासीटामोल IP 250 mg मिला हुआ है, फिनाइल एफरीन हाइड्रोक्लोराइड IP इसमें 5 mg मिला हुआ है, क्लोरफिनरामीन मैलेट IP इसमें 2 mg मिला हुआ है, बाकी मेंथॉल इसमें फ्लेवर बेस की तरह मिला हुआ है। दोस्तों, ये इप्का लेबोरेटरी का प्रोडक्ट है। दोस्तों, जब ये सिरप अपने बच्चे को दे तो उनको खाना खिलाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ इस सिरप को दें, ताकि आपके बच्चे को कोई भी स्टमक अपसेट प्रॉब्लम ना हो। अगर बच्चा आधे घंटे के अंदर दवा पीने के बाद उल्टी कर देता है दवा की, तो सेम डोज उसको दोबारा दें, लेकिन अगर आधे घंटे के बाद उल्टी करता है तो आपको दोबारा दवाई नहीं देनी है। दोस्तों, जब ये दवा आपको देना है तो ध्यान रखना है कि इसकी जो डोज है यानी मात्रा है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दें कि आपके बच्चा कितना बीमार है या उसकी बॉडी वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको डोज बताएगा। तो डोज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दें। आपका बच्चा 1 हफ्ते के अंदर बेटर फील होने लगेगा अगर आप रेगुलर एक फिक्स टाइम पे अपने बच्चे को ये दवा देती हैं तो, और इसका पूरा कोर्स करके ही इसका इस्तेमाल बंद करें, बीच में बच्चों को दवा ना छोड़ाएं, नहीं तो उनकी सिम्टम्स जो प्रॉब्लम है वो वापस आ सकती है, बच्चा फिर से बीमार पड़ सकता है। दोस्तों, इस सभी दवाइयों की तरह इसके कुछ माइनर और टेम्परेरी यानी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जब ये दवा आपका बच्चा लेता है तो इसको मतली, उल्टी, डायरिया और सर में दर्द प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, अगर बच्चा आपका रेगुलर एक फिक्स टाइम पे दवा पिएगा तो धीरे धीरे बॉडी जो है इस दवा को अडॉप्ट कर लेगी और आपके बच्चों को जो ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी नहीं होंगे, और दवा का इस्तेमाल बंद करती सारे साइड इफ़ेक्ट चले जाएंगे। अगर आपके बच्चे को कोई और प्रॉब्लम होती है साइड इफ़ेक्ट की, तो तुरंत इसके बारे में अपने डॉक्टर से बताएँ और बच्चे की जो पूरी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। जब भी उसकी कोई दवा लेने किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको हिस्ट्री आप डॉक्टर को बच्चे की ज़रूर बताएँ। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इस कॉमन कोल्ड दवाई पे, जो कि दर्द, बुखार और सारी चीज़ों को बच्चों में ख़त्म करता है। तो मैं जल्दी ही फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।